हेलो, वेलकम टू मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जनाब? बहुत अरसे से मैं वीडियो अपलोड नहीं करवा रही थी, काफ़ी बिजी थी। खैर, जो भी था जो हो गया, हम पोल जो थे छोड़ो, आगे बढ़ो। चलो, मैं ना सुबह, आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, आप लोगों का कैसा गुजरा मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरा तो आपके सामने है। आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरा दिन कैसा गुजरा। तो जनाब, जब सुबह उठी और अम्मी ने मशीन लगाई थी, और मशीन लगाने का मतलब आप सबको पता है ना, ओह माय गॉड। खैर, जो भी था, अब काम तो था, तो छुट्टी थी, ऑफ डे था, तो मैंने सोचा चलो सुबह उठूँगी, आराम से चिल करूँगी और नाश्ता करूँगी। खैर, नाश्ता तो अम्मी ने बना के देना था। जैसे ही फ्रिज खोली तो देखा जी फ्रिज तो साफ़ करने वाली है, तो मैंने सोचा चले पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता जो है अम्मी ने बनाना है। तो जनाब, मैंने जो फ्रिज के ये जो पार्ट्स है ना, उसको गर्म पानी किया, और गर्म पानी करने के बाद ना, मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड किया, लेमन ऐड किया और सर्फ ऐड किया, और उसको अच्छी तरह से ना झाग बनाई, और इन सारे पार्ट्स को ना मैंने कोई 15 मिनट के लिए रख दिया। रखने के बाद इस तरह से मैंने इनको साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद जो है वो अच्छे खासे ये साफ़ हो गए थे। तो खैर, साफ़ करने के बाद मैंने ये जो चीज़ें थी, हर इंसान के फ्रिज में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, जो भी हम यूजुअली अपने फ्रिज में रखते हैं, स्टोर करते हैं, कुछ मेयोनीज़ है, चिली सॉस है, डिफरेंट चीज़ें हैं इस तरह से, और ऑयल है। तो खैर, उसके अलावा मेडिसन्स होती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे फ्रिज में कोई भी मेडिसिन नहीं है सिवाय इस कैल्शियम की दवाई के। तो कुछ मेयोनीज़ के पैकेट्स हैं और इस तरह से कैचअप है। तो मैंने हर चीज़ को बड़े मज़ेदार तरीके से जो है वो साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जैसे फिर भी, तो अम्मी ने नाश्ता बना दिया था। नाश्ता आज मैंने खाया है पराठा, और यूजुअली जो है वो मैं नहीं खाती, आज मेरा चीट डे था, तो मैंने कहा चलो जी जान दियो। खैर, उसके बाद शाम के लिए मैं और अम्मी जो है वो कढ़ी बना रहे हैं। अम्मी कढ़ी जो है ना, वो अम्मी ही बनाती हैं हमेशा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। और मैं ना पकौड़े बना रही थी, और मुझे क्योंकि जो कढ़ी है ना वो इस तरह की पसंद है कि बहुत सारे उसमें पकौड़े हों कड़ी में, और बहुत मज़ेदार। और मैंने ना किसी को नहीं दिए, किसी के लिए नहीं रखे, और अम्मी ने मुझे कहा था कि आधे रख लेना और आधे जो कड़ी में डाल देना। तो मैंने क्या किया कि आधे की बजाय मैंने सारे कड़ी में डाल दिए, और बहुत मज़े की बनी ये ना, मेरे मतलब की बनी। तो सब ने जब पकौड़े मांगे तो मैंने कहा ओ माई गॉड, बहुत मैं भूल गई, तो मैंने सारे इस तरह से डाल दिए। तो खैर, मेरा दिन जो है वो इस तरह से गुजरा, थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा मज़ेदार, चटपटा सा। आपका दिन कैसा गुजरा मुझे लाजमी ही बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, और मुझे लाजमी बताइएगा आपने क्या किया और आपके मेन्यू में क्या था, क्योंकि मैंने तो आज का अपना मेन्यू जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।